हेलो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स लेक्चर नंबर 4 आप देख रहे होंगे। आव्यूह पर संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। सबसे पहले आती है योग, दो आव्यूहों का योग। दो आव्यूह ए तथा बी योग के लिए अनुकूलनीय होते हैं यदि उनका क्रम समान हो, अर्थात वे एक ही क्रम के हों। इनका योग भी, उनका योग करने पर एक आव्यूह प्राप्त होता है। इसे a प्लस बी से व्यक्त करते हैं। यदि a बराबर, हमने एक आव्यूह लिया ए आई जे एम गुणा एन, जिसकी कोटि है m गुणा एन ऑर्डर, और v इज इक्वल टू वी आई जे, ठीक है, वी आई जे और m गुणा एन। हमने दो आव्यूह लिए जिनके क्रम जो है वो समान है, ठीक है। तो उनका योग किया, a प्लस बी इज इक्वल टू ए आई जे एम गुणा एन प्लस वी आई जे एम गुणा एन। तो चूंकि ये समान किसके हैं, कोटि के, तो दोनों आप भी जोड़ दिए एक में ही, तो m गुणा n बन गई। इस तरह से ये लॉजिक है, मतलब इसको हम कहते हैं बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। इसके आधार पर हमने एक उदाहरण दिया, उस एग्जांपल में हमने बताया a इज इक्वल टू 2 गुणा 3 का एक आव्यूह लिया और b बराबर 2 गुणा 3 का दूसरा आव्यूह लिया और प्लस कर दिया। तो 1 2 3 माइनस 2 4 6 4 3 माइनस 2 0 5 3, ठीक है। यहां से मैंने क्या किया, इसको जोड़ना है, तो संगत अवयव ही जुड़ते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब समान आव्यूह हैं तो 1 और 4 5, 2 और 3 5, 3 में से 2 जाएगा 1, जुड़ा है लेकिन वो घट गया। माइनस 2 प्लस 0 4 प्लस 5 9 और 6 प्लस 3 9। तो इस तरीके से यही हमारा क्या होगा, आंसर। दो आव्यूहों को जोड़ना हो तो इस तरीके से हम योग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है व्यवकलन, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन क्या होता है, इसी प्रकार यही भाषा रहेगी, सेम टू सेम भाषा रहेगी। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। दो आव्यूह ए तथा बी अंतर के लिए या व्यवकलन के लिए अनुकूलनीय होते हैं यदि वो एक ही क्रम के हैं, ठीक है। अर्थात इसे ए माइनस बी से व्यक्त करते हैं और इनका अंतर भी एक आव्यूह प्राप्त होता है। सेम टू सेम भाषा लिखनी है, योग की जगह अंतर शब्द का प्रयोग करना है। हमने वही लिया, a इज इक्वल टू ए आई जे एम गुणा एन, वी इज इक्वल टू वी आई जे एम गुणा एन, समान कोटि के हो गए। माइनस करने पर ए आई जे माइनस के वी आई जे और एम गुणा एन वी आई जे, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 4678 और v इज इक्वल टू 1326, 2 बाई 2, 2 बाई 2, यानी कि समान कोटि के आप भी हो गए। माइनस कर देंगे, तो माइनस किया तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, 6 माइनस 3, 3, 7 माइनस 2, 5, 8 माइनस 6, 2। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, व्यवकलन। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आने वाली है उसे हम क्या कहेंगे, दो आव्यूहों का गुणन। आप इसको नोट कर लें, फिर उसके बाद हम गुणन बताएंगे। हाँ, तो स्टूडेंट देखेंगे आव्यूहों का गुणन, तीसरा टॉपिक है अपना। दो आव्यूह ए तथा बी गुणन के लिए अनुकूलनीय होते हैं यदि आव्यूह ए के, ये लाइन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्तंभों की संख्या आव्यूह बी के पंक्तियों की संख्या के समान है। यानी कि हम ये कह सकते हैं आव्यूह ए के स्तंभों की संख्या कॉमा आव्यूह बी के पंक्तियों की संख्या के समान है, तब इनका गुणनफल एक आव्यूह प्राप्त होता है। इसे ए बी से व्यक्त करते हैं। यदि ए बराबर, हमने लिया ए आई जे एम गुणा एन, इसका क्रम क्या है एम गुणा एन ऑर्डर हो गया, और वी इज इक्वल टू वी आई जे एन गुणा पी, ठीक है। ये हमने दो आव्यूह ले लिए, तो मैंने यही लिखा है आव्यूह ए के स्तंभ, तो स्तंभ क्या है बेटा एन, और आव्यूह बी की पंक्ति, पंक्ति क्या है एन, कैसी होनी चाहिए समान। तो जो समान चीजें हैं गुणा करने के बाद वो हट जाएंगी, तो जो हमें आव्यूह प्राप्त होगा, हमने मान लिया कि हमें कुछ प्राप्त होगा तो उसका नाम हमने सी आई जे दे दिया, सी आई जे, ठीक है भाई। गुणा करने पर कुछ संख्या चेंज हो जाएंगी, और एम गुणा पी, ये आपका क्रम तैयार हो जाएगा। तो हर बार आपको यही देखना है, पहले आव्यूह, आप तो यहाँ एक ही जगह, पहला आव्यूह उसमें स्तंभों की संख्या और दूसरा आव्यूह उसके पंक्तियों की संख्या यदि समान है तो गुणन के लिए संभव है, अदरवाइज नहीं है। ये विशेष बात है, अगर आपने गुणन सीख लिया आव्यूह समाप्त हो गया, आज ही कंप्लीट हो गया ये मान लें आप, तो एम गुणा पी। उदाहरण के तौर पर पहले मैं ये नहीं बता रहा हूं, पहले हम जनरल उदाहरण बता रहे हैं। तो जनरल उदाहरण क्या है बच्चों, यदि a बराबर ए बी सी डी, b बराबर पी क्यू आर एस, ओके,
हमने यहां 2 × 2 तो आप देखिए इसके स्तंभों की संख्या और इसके पंक्तियों की संख्या ओके समान, चूंकि ये वर्ग आव्यूह होते हैं तो ऑलरेडी समान रहती है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हमें जो आव्यूह प्राप्त होगा वो कितने का ही कितने का होगा 2 × 2। तो अब हमने क्या किया, गुणा करने का तरीका सीखो भैया, सभी लोग गुणा कर लिया तो सब काम हो जाएगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, अभी हम लाइन करके बता रहे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो क्या आ गया एपी, पहले का पहले से दूसरे का दूसरे से, पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो ए का पी से बी का आर से, पहली पंक्ति, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो ये बन जाएगा ए क्यू प्लस बी एस, ए क्यू प्लस बी एस। अब बात करते हैं पहली पंक्ति कंप्लीट हो गई है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ रखने का भी तरीका होता है यहाँ रखेंगे और पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यहाँ रखेंगे। अब आइए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे तो सी पी और प्लस डी आर ओके। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या आ जाएगा सी क्यू और प्लस डी एस। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि हमें जो प्राप्त हुआ 2 × 2 का एक गुणन आव्यूह प्राप्त हो जाता है, तो हम इस तरीके से गुणा करते हैं। अब हम एक और उदाहरण लिया, अभी हमने 2 × 2 का लिया, अभी मैं आपको और संतुष्ट करूंगा और एक दो एग्जांपल लेके गुणा आज सिखाना है 100%। तो हमने ये भी 2 × 2 ये भी 2 × 2 हमने यहाँ लिख लिया, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ ठीक है ना। तो चलिए करते हैं पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ध्यान से देखेंगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 × 5 और 4 × 4 कितना हो गया 16, मतलब पहली पंक्ति पहले अवयव का पहले से दूसरे का दूसरे से जो चिन्ह है वही लिखा जाएगा। तो 1 × 5 5 और 4 × 4 16। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 × 2, चाहो तो आपको हम और तरीके से लिख दें 1 × 5 + 4 × 4, 1 × 2 + 4 × 1। आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ लिख दिया बच्चों। अब हम बात करते हैं दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति पहला 2 × 5 + 3 × 4 ठीक है, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 × 2 + 3 × 1 ओके। अब इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, 5 × 5 और 4 × 4 16, 16 × 5 21, 2 × 2 2 × 4 6, 2 × 5 10, 4 × 3 12, 10 × 12 22, 2 × 2 4, 4 × 3 7। तो इस तरीके से जो आपको आप भी प्राप्त हुआ ये भी आपका कितना प्राप्त हुआ 2 × 2। तो आपकी समझ में आया पहली पंक्ति पहला स्तंभ पहले स्थान पर, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ दूसरे स्थान पर, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ नीचे वाले पे और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यहाँ पर ठीक है। अब मैं आपको एक और अन्य उदाहरण लेता हूँ, आपके समझ में आज ही आ जाएगा एक अलग टाइप का। ए बराबर हमने ले लिया 1 2 3 1 2 3 3 × 1 और बी बराबर 1 2 3 1 × 3। तो आप देखिए ये संभव है बिल्कुल, ए भी संभव है या अनुकूलनीय है, तो ए भी संभव है, तो ए बी इज इक्वल टू 1 2 3 और यहां हो जाएगा 1 2 3 ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा पहली पंक्ति पहला स्तंभ, आप देखिए ये पहली पंक्ति ये पहला स्तंभ 1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 3, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 × 4 और 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9। तो यहाँ से आपको 3 × 3 यही तो प्राप्त होना था, तो आपका आंसर होगा। यहाँ कन्फ्यूजन मत करना, अगर ये उल्टा हो जाए, सपोज दैट बी ए पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए बी ए, तो चेंज हो जाएगा। तो बी क्या है अपना 1 2 3, ध्यान से देखना ये 1 × 3 है और यहाँ हो जाएगा आपका 1 2 3 3 × 1। तो अब की बार जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1 × 1, तो बिल्कुल संभव है दोनों तरफ से। तो एक पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो एक ही पंक्ति है एक ही स्तंभ है, तो 1 × 1 2 × 2 और 3 × 3, तो इसका जो आंसर भी है वो हो जाएगा 1 + 4 + 9।
नौ चार तेरह और एक चौदह, और आपने देखा एक गुणा एक। तो यहाँ पर आपने जो गुणन सीखा है उसमें कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, अगर आप सही तरीके से गुणा करते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो मैंने जनरल बताया है, जो हमने बताया पहली पंक्ति पहला स्तर। अब आप देख रहे हो कि सर बहुत छोटा है, हाँ इस गुणा को आपने अगर सीख लिया तो आप समझ लो बहुत बड़े बड़े गुणा कर सकते हैं। तो ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीन एकम तीन, तीन दून छः, तीन त्रिका नौ। यहाँ पे बीए में ये कर दिया, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ सब इसका गुणा होकर जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपियों का गुणन भी आपने सीख लिया। इसको आप नोट डाउन कर लें, मैंने उदाहरण आपको सिखा दिए। घर पर आप चाहें तो इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण लिख के आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, नोट डाउन कर लें। हाँ जी, अदिश गुणन स्केलर मल्टीप्लीकेशन, आव्यूह ए को किसी अशून्य अदिश संख्या के से गुणा करने पर प्राप्त आव्यूह के ए अदिश गुणन आव्यूह कहलाता है। इसका प्रत्येक अवयव ए का आव्यूह ए का के गुना होता है। मीन्स ये कह सकते हैं हम कि आव्यूह का प्रत्येक अवयव, ठीक है, अगर किसी अदिश संख्या से गुणा किया जाए तो वो के गुना हो जाता है, अर्थात ए इक्वल टू ए आई जे एम गुणा एन ओ, तो के ए बराबर के ए आई जी, के का बड़ा हो गया जो भी है पूरे अभी में एम गुणा एन। यहाँ पे उदाहरण लिया मैंने एक दो तीन चार तीन दो, आपको याद करना थ्री ए, थ्री क्या है अदिश राशि अचर राशि, तो अचर का मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री प्रत्येक अवयव में हो जाएगा, यानी कि जो भी अचर संख्या होती है आप के प्रत्येक अवयव में उसका गुणा किया जाता है, या कॉमन लेने की भी यही बात रहेगी। अब थ्री बन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री थ्री जा नाइन और थ्री टू जा सिक्स, यही आपका एग्जैक्टली आंसर है। ठीक है, तो बहुत इजी सी बात है, कोई कठिन बात नहीं थी। अब बात आती है आव्यूह के योग के गुणधर्म, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ध्यान ले लें, आव्यूह के योग के गुणधर्म, तो आव्यूह के योग के जो गुणधर्म है उसमें पहला आता है क्रम विनिमेयता। ठीक है, क्रम विनिमेयता क्या होती है, यदि हम ये कहें यदि दो आव्यूह ए तथा बी समान क्रम के हों, दो आव्यूह ए तथा बी समान क्रम के हों तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये होना चाहिए, यानी कि दो आव्यूह एक ही क्रम के हैं तो क्रम विनिमय नियम ये कहता है कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। कोई भी आप एग्जाम्पल यहां पे ले सकते हो, जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दें, ए बराबर एक दो तीन चार, बी बराबर दो पांच सात नौ। ठीक है, यहां से हमने क्या निकाला ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करेंगे एक और दो तीन, एक और दो तीन जुड़ गए दो और पांच सात, तीन और सात दस, चार और नौ तीन। अगर हम बी प्लस ए निकालें, क्या निकालें बी प्लस ए, तो क्या हो जाएगा दो और एक तीन, पांच और दो सात, और सात और तीन दस, नौ और चार तेरह। तो इसलिए स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, इसका तो बस ये है कि अगर आता है तो कर देंगे, बाकी नियम बन जाएगा। दूसरा आता है सहचर्यता, सहचर्यता, ठीक है, एसोसिएशन, एसोसिएटिव क्या होता है, यदि तीन आव्यूह एक ही क्रम के हैं ए बी सी, तो इसका जो नियम होता है ए प्लस बी और प्लस सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये नियम कहता है। तो इसमें तीन आव्यूह थ्योरी इसमें है, तीन आव्यूह एक ही क्रम के हों तो हम इस तरीके से उसको व्यक्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट होता है योज तत्समक, तीसरा पॉइंट है योज तत्समक। योज तत्समक क्या होता है, कोई भी आव्यूह ए है, ठीक है, कोई एक आव्यूह ए है उसमें शून्य आव्यूह उसी क्रम का क्या करें, अगर हम जोड़ दें तो उस पर कोई भी इफेक्ट ना हो, अर्थात क्या कहलाएगा ए उसका तत्समक आव्यूह कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ए प्लस जीरो शून्य आव्यूह हो गया,
बराबर जीरो प्लस ए, ये कंडीशन होती है तत्समक आव्यूह में। सपोज दैट एक एग्जांपल ले लो, ए बराबर दो तीन चार पांच, ठीक है। अब हमें तत्समक निकालना है तो क्या करेंगे, इस नियम में रखना है, तो ए प्लस जीरो, तो यहां पे हो गया दो तीन चार पांच और उसी क्रम का शून्य आव्यूह। ये देखिए कोई फर्क पड़ा, कोई इफेक्ट आया, दो चार तीन पांच, चाहे आप इधर से जोड़े क्या प्राप्त हो गया, ए सॉरी यहां ए आएगा, ठीक है ना। तो ए प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस ए, तो ये कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, योज्य तत्समक, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक और होता है, वो भी मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं, थोड़ा सा रह गया अपना लास्ट पॉइंट है, ये कहलाता है योज्य प्रतिलोम। क्या कहलाता है, योज्य प्रतिलोम, एडिटिव एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, यदि कोई आव्यूह ए है, एम गुणा एन क्रम का है, ठीक है, तो ए बराबर ए आई जे एम गुणा एन, उसी क्रम का एक आव्यूह, उसी का अपोजिट साइन का माइनस ए आई जे, ठीक है, एम गुणा एन हो, तो हम कह सकते हैं ए प्लस माइनस ए, और हमें क्या प्राप्त हो जाए, शून्य आव्यूह यदि प्राप्त हो जाए, क्या प्राप्त हो जाए, शून्य आव्यूह, तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से वो यानी कि जो हमारा माइनस ए है वो ए का क्या कहलाएगा, योज्य प्रतिलोम कहलाता है। तो इस प्रकार हम देखें कि उदाहरण ले लें, मान लो सपोज दैट ए बराबर एक दो तीन चार, ठीक है ना, तो आपको स्वाभाविक बात है माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस दो माइनस तीन और माइनस चार, इसलिए ए प्लस माइनस ए, ए प्लस माइनस ए, एक दो तीन चार माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार, तो यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो 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 जीरो, क्या प्राप्त हो गया, जीरो। इसलिए यहां पर हम योज्य प्रतिलोम को इस तरह से सीख सकते हैं। तो अपने पास ये इस तरह के नियम हैं कि इनमें आव्यूह की विशेष बात ये, कैसे हम जोड़ते हैं, केवल एक ही क्रम के आव्यूह योग किए जा सकते हैं, अंतर किए जा सकते हैं, और गुणन का नियम मैंने आपको बताया। ये तीन बातें आपको ध्यान रखना है, आव्यूह आपका निश्चित तौर पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज आप लोग इसी की प्रैक्टिस करेंगे, है ना, आज, और इसकी थ्योरी भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, वैसे तो मैंने लिखा ही हुआ है, फिर भी आप बुक में थोड़ा सा कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।